स्पीडेज एक इंडियन होम ग्रोन कंपनी है जो कि स्केल मॉडल्स बनाता है। इस वीडियो में हम स्पीडेज के कुछ गाड़ियों के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला गाड़ी है वो है स्पीडेज का लैंसर। इसका जो एमआरपी है वो कुछ 180 के आसपास आता है। स्पीडेज का जो गाड़ी है वो मेरे से बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भाई कहाँ से लूँ, इधर मेरे लोकेलिटी में स्पीडेज का गाड़ी नहीं मिल रहा। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि स्पीडेज का जो गाड़ी होता है वो सेलर के मदद से आपको मिल सकता है। तो मैंने भी सेलर से ही ये जो गाड़ी है सब लिया हुआ है। उसका जो बेस्ट बाई लिंक होगा मैं नीचे डाल देने का कोशिश करूंगा। तो ये है लैंसर, बॉक्स पैकेजिंग कुछ इस तरह का आता है और इसका जो प्राइस है वो कुछ 180 के आसपास है। तो गाड़ी को हमने अनबॉक्स कर लिया है। इसका जो बिल्ड और फिनिशिंग है मेरे को अच्छा नहीं लगा, उतना खास नहीं लगा। इसका बेस थोड़ा इम्प्रॉपर है, आप देख सकते हैं। ओपनेबल डोर के साथ आता है और इधर बड़ा बड़ा करके मित्सुबिशी का लोगो आता है, लैंसर भी लिखा हुआ आता है। तो हमारा जो दूसरा वाला गाड़ी है वो है हुंडई वर्ना, फ्लूइडिक वर्ना। एक एकलौता स्केल मॉडल है वर्ना का जो स्पीडेज बनाता है। तो इसको हम अनबॉक्स करके ऐसा कुछ निकलता है हमारा ब्लैक कलर में वर्ना। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है ये ब्लैक कलर में काफ़ी शानदार लगता है। ये गाड़ी मैंने अमेजन से उठाया था। इसका जो बेस्ट बाई लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारा जो अगला गाड़ी है वो है ऑल्टो K10। इसका जो स्केल मॉडल है ऑल्टो K10 का वो काफ़ी शानदार आता है। अब देख सकते हैं ऐसा कुछ निकल के आता है। ऑल्टो का मॉडल दो ओपनेबल डोर के साथ आता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, स्पेशली इस कलर में। हमारा जो नेक्स्ट गाड़ी है वो है सुमो, जिसका रिटेल पैकेजिंग कुछ ऐसा है और इसका जो प्राइस है वो 180 तक जाता है। ये टाइम टू टाइम वैरी करता है और इसका जो बैक वाला जो पहिया है वो निकल गया, कुछ ऐसे फिट होता है ये। और इसका जो फिनिशिंग है मेरे को उतना खास नहीं लगा, क्योंकि सेंशई का जो सुमो आता है वो बहुत डिटेल्ड है, इसलिए मेरे को ये वाला जो सुमो है वो मेरे को इतना खास नहीं लगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्पीडेज का एक सुमो आपका कलेक्शन में रहे तो आप ज़रूर से इसको ऐड कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट वाला गाड़ी है वो है ये क्वालिस। ये क्वालिस का फर्स्ट जनरेशन मॉडल है और इस क्वालिस का कुछ खास फीचर्स है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट इसको अनबॉक्स करके हम गाड़ी को बाहर ले आए और अब देख सकते हैं ये जो गाड़ी है ये फेस लिफ्टेड मॉडल है और फ्रंट बम्पर के साथ आता है, दो ओपनेबल डोर्स है। इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये बूट ओपनेबल है, कुछ इस तरह। सेंटी का जो क्वालिस आता है उसका जो बूट है वो ओपनेबल नहीं है। सेंटी का जो क्वालिस आता है एक्चुअली उसका कोई भी दरवाज़ा भी ओपन नहीं होता, लेकिन ये जो मॉडल है ये ओपनेबल है। ये मॉडल आपको कुछ CID का याद दिला देगा, बहुत शानदार लगता है देखने में। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला गाड़ी है वो है इंडिका। इंडिका का जो पर्टिकुलर ये स्केल मॉडल है मेरे को सबसे डिटेल लगता है। सेंटी का जो इंडिका स्केल मॉडल आता है वो भी मेरे पास है, लेकिन वो इतना ज़्यादा खास और डिटेल मेरे को नहीं लगता। मेरे पास ये दो कलर में है, एक है ये ब्लैक कलर में। इसका जो व्हील्स है मैंने सेंटी के साथ स्वाइप कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये देखने में बहुत बहुत शानदार लग रहा है। और ये जो इंडिका है इसका जो व्हील्स है वो स्पीडेज का ओरिजिनल व्हील्स है, आप देख ही सकते हैं कुछ ओरिजिनल व्हील ऐसा आता है। ये रेड कलर में है और ये है ब्लैक कलर में। ये दोनों गाड़ी मेरे को बहुत प्यारा लगता है। तो इसको कर देते हैं साइड और देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट वाला गाड़ी है जो कि है मतीज़। सिंशई का मतीज़ अवेलेबल है मार्केट में, वो एकदम ही बेकार है मेरे ख्याल से। लेकिन ये वाला जो मतीज़ है ये है मतीज़ जूनियर। स्पीडेज का मतीज़ जूनियर भी आता है, मतीज़ सीनियर भी आता है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन ये जो गाड़ी है इसका डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शार्प है। आप देख सकते हैं इधर डेब्यू लिखा हुआ आता है, इधर मतीज़ लिखा हुआ आता है, एक छोटा सा नंबर प्लेट भी दिया हुआ है। इसका जो स्केल मॉडल है स्पीडेज का तरफ से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जो रेड कलर में है वो भी एक बार देख लेते हैं, कुछ इस तरह का आता है, ये भी देखने में बहुत शानदार लगता है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट वाला गाड़ी है जो कि है मर्सिडीज
320। इसका जो स्केल मॉडल है काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी अच्छा सा लगता है, काफ़ी प्यारा सा लुक देता है ये। और एक कलर में मेरे पास अवेलेबल है जो कि है ये ब्लैक कलर। इसका जो कलर है मेरे को बहुत पसंद आया था, ये मेरे को कुछ 220 के आसपास पड़ा था। और अब देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में कितना रॉयल लुक देती है, बहुत शानदार लगता है। अगर आप चाहो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। बाद में ये जो दो गाड़ी है ये है सेंट्रो, ये है सेंट्रो का जिंग मॉडल। बहुत लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई सेंट्रो कहाँ से ली स्पीडेज का, तो सेंट्रो भाई मैंने ली वासिमदा से। वासिमदा का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं नीचे डाल दूंगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये ब्लैक कलर में आता है और भी एक कलर में है मेरे पास। ये जो है इसका ओरिजिनल व्हील्स है कुछ। और इसका जो सबसे बड़ा खासियत है, ओपनेबल डोर के साथ तो आता ही है, लेकिन इसका जो बूट है काफ़ी अच्छी तरह से ओपन हो जाता है। एक प्लास्टिक स्केल मॉडल के लिए बूट ओपन होना बहुत बड़ी बात है, तो इसका जो बूट है कुछ ऐसे ओपन होता है। ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है सेंट्रो का। दूसरा वाला जो गाड़ी है ये है कुछ बजाज टेम्पो, बहुत छोटू सा क्यूट सा गाड़ी है लेकिन देखने में बहुत कूल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसका जो स्केल मॉडल है कुछ इस तरह का आता है। और भी एक कलर मेरे पास अवेलेबल है जो कि रेड कलर में है, लेकिन ये जो गाड़ी है बहुत छोटू सा क्यूट सा प्यारा सा लगता है। इसका जो MRP है कुछ 140 के आसपास है, मैं ये उदय भाई से कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो गाड़ी है मेरे को बहुत पसंद आया था। बाद में ये जो गाड़ी है ये है स्पीडेज का स्कॉर्पियो। इसका जो अनबॉक्सिंग है मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल के रखा है, आप चेक कर सकते हैं। इसका जो बिल्ड और फिनिशिंग है मेरे को उतना खास नहीं लगा, क्योंकि मैं स्पीडेज का कलेक्शन कर रहा था इसीलिए इसको ऐड कर लिया मैंने कलेक्शन में। इसका जो बिल्ड और फिनिशिंग है वो ठीक ठाक सा लगता है, ओपनेबल डोर के साथ आता है, लेकिन ये सोनालिका राइनो के साथ बहुत मिलता जुलता है, तो इसको मैं सोनालिका राइनो के नाम से ही बोलता हूँ। इसका जो मॉडल है वो उतना खास मेरे को नहीं लगा। तो बाद में ये जो दो मॉडल है अब देख सकते हैं, ये है फोर्ड आइकॉन। फोर्ड आइकॉन का मॉडल सिर्फ स्पीडेज ही बनाता है, तो हम जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसका जो मॉडल है देखने में काफ़ी शानदार लगता है, और ये ओपनेबल डोर के साथ नहीं आता, एक क्लोज्ड डोर मॉडल है। और इसका जो व्हील्स है हम सेंटी के साथ इसको स्वाइप करके रखा है, ये देखने में बहुत कूल लगता है, बहुत शानदार लगता है, और स्पेशली ब्लैक कलर में देखने में बहुत अच्छा लगता है। और एक फोर्ड आइकॉन है मेरे पास जो कि ओरिजिनल व्हील्स के साथ आता है, तो ये जो ओरिजिनल वाला स्पीडेज व्हील्स है मेरे को उतना खास नहीं लगता, तो इसीलिए मैं सेंटी का व्हील्स के साथ इसको स्वाइप करता रहता हूँ, तो ये गाड़ी को एक बहुत अच्छा सा लुक देता है ऑब्वियसली। तो बाद में ये जो गाड़ी है ये है स्पीडेज का लिमोजिन बस, और ये देखने में बहुत खास लगता है क्योंकि ये दो तीन ओपनेबल डोर के साथ आता है। ये जो हो गया इसका डोर ओपनेबल हो गया, इसका जो लगेज स्पेस है वो भी ओपनेबल हो गया, और इसका जो इंजन वाला जो पोर्शन है वो भी ओपनेबल हो जाता है कुछ इस तरह। इसका जो प्राइस है वो लगभग 220-240 का आसपास है, तो आप चेक कर सकते हैं। ये जो बस है ये बस एक्चुअली तीन चार कलर में आता है, मेरे पास दो ही कलर है, ब्लैक कलर मेरे को बहुत पसंद आया था, और दूसरा और एक कलर में आता है, ये है रेड कलर। इस कलर में भी आप चेक कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है, बहुत खास लगता है। अगर आप एक बस लवर हो तो ये एक मस्ट एड ऑन है आपके कलेक्शन में। तो बाद में ये जो तीन गाड़ी है ये बहुत ही खास गाड़ी है मेरे कलेक्शन में, ये है स्पीडेज का इको। इको का बस ये एकलौता मॉडल है जो कि और किसी कंपनी ने नहीं बनाता, और स्पीडेज ने इसको बनाता है। ये टैक्सी वर्जन में आता है, नॉर्मल वाला वर्जन था वो भी आता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। इसका जो प्राइस है वो कुछ 200-220 का आसपास है, आपको डीलर से लेना पड़ेगा। ये मॉडल अब मार्केट में थोड़ी देर के लिए अवेलेबल है, मेरे पास और दो इको है। अब कुछ इस तरह का स्केल मॉडल आता है और ऐसा कुछ डिटेल पैकेजिंग में आता है इधर, और तीन स्केल मॉडल का जो पिक्चर है वो भी दिया हुआ है। एक एम्बेसडर मिलता है, अब सेंट्रो का जो टैक्सी मॉडल है वो कहीं भी नहीं मिलता, और एक इको जो कि देखने में कुछ ऐसा है, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया। तो ये वाला जो तीन इको है मेरे पास है, और ये काफ़ी शानदार एड ऑन है मेरे कलेक्शन में। बाद में है ये वाला वैगनर, या वैगनर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है अब, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो मेरे ख्याल से शायद बंद हो चुका है। ये भी बहुत डिटेलिंग के साथ आता है, अब देख सकते हैं पुराना वाला जो वैगनर है तो ये ओपनेबल डोर के साथ आता है। और इस मॉडल के एक सबसे बड़ी खासियत जो है ये स्क्वालिस और सेंट्रो के जैसा ओपनेबल बूट के साथ आता है। प्लास्टिक मॉडल के लिए बूट ओपन होना बहुत बड़ी बात है, तो स्पीडेज ये मॉडल बहुत डिटेल में बनाता है, तो ये मॉडल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है जैसे मैंने बताया। ये मॉडल ऑफलाइन से लिया था। बाद में ये जो मॉडल है ये है हुंडई का सिटी फर्स्ट जनरेशन, जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ था।
तो इसका स्केल मॉडल कुछ ऐसा निकल के आता है। इसका जो प्राइस है 180 के आसपास है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसका व्हील स्वैप कर देते हैं सेंटी के कुछ गाड़ी के साथ तो ये देखने में और भी प्यारा सा लगेगा। तो कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से मॉडिफाई करता है, वो देखने में एकदम रियल जैसा लगता है। ये इधर सिटी का जो लोगो है वो भी आता है, हुंडई का लोगो इधर छोटा छोटा करके आता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है ये गाड़ी। ये कुछ 180 के आसपास था। बाद में ये जो गाड़ी है ये मेरे को उतना पसंद नहीं आया, ये है एम्बेसडर, आप देख ही सकते हैं इसका जो फिनिशिंग है और इसका जो ऊपर वाला जो कैरियर वाला वर्शन है वो निकलता रहता है। लेकिन ये जो गाड़ी है मेरे को उतना पसंद नहीं आया, ये कुछ 150 के आसपास आया था, मैं ऑफलाइन से लिया था, तो ठीक ठाक मॉडल है। अगर आप स्पीडेज का कलेक्शन कर रहे हैं तो इसको ले सकते हैं आप। बाद में ये जो मॉडल है ये है ऑटो, ये मैं फर्स्ट क्राई से लिया था। इसका जो बिल्ड और फिनिशिंग है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसका अनबॉक्सिंग ऑलरेडी चैनल पर है, आप देख सकते हैं, लिंक मैं आई कार्ड में डाल दूंगा। तो कुछ इस तरह लगता है ऑटो, देखने में बहुत खास लगता है। सेंटी के जो ऑटो आता है उससे थोड़ा डिफरेंस है ये, लेकिन इसका जो मॉडल है मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो गाड़ी है वो है ये एम क्लास, मर्सिडीज का एम क्लास है। इसका एक स्केल मॉडल बनाता है स्पीडेज, तो किंग्समार्ट भी बनाता है मेटल में। तो अगर आप डाइकस लवर हो तो आप उस गाड़ी को चेक कर सकते हो। मैं स्पीडेज का कलेक्शन कर रहा था तो मैंने इस गाड़ी को उठा लाया। थोड़ा सा हेवी है, थोड़ा सा भारी है, सेंटी का जो फॉर्चूनर आता है उसके साइज से एकदम मिलते जुलता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कूल लगता है इस कलर में। तो बाद में मेरे पास और एक गाड़ी है, वो है इनोवा, तो फटाफट इसको अनबॉक्सिंग कर ली जाए। इनोवा का जो प्राइस है वो कुछ 200 के आसपास आता है, ये मैं उदय भाई से लिया था। तो ये भी ओपनेबल डोर के साथ आता है और इसका भी बूट ओपनेबल है कुछ इस तरह। तो ये गाड़ी देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये इनोवा का जो पहला वाला जनरेशन था, जनरेशन 1, उसका एक स्केल मॉडल है। तो बाद में ये जो गाड़ी है ये है टाटा नैनो, इसका जो प्राइस है वो कुछ 150 के आसपास आता है। लेकिन ये वाला जो नैनो है मेरे को काफ़ी प्यारा लगता है, इसके कलर के वजह से काफ़ी प्यारा सा लुक देती है ये वाला नैनो। ओपनेबल डोर के साथ आता है, अब सेंटी का मॉडल भी चेक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेरे को ये वाला नैनो ज़्यादा पसंद आया था, पता नहीं क्यों लेकिन पसंद आया था। तो बाद में ये जो गाड़ी है ये है टाटा सफारी। तो स्पीडेज ही एक एकलौता कंपनी है जो कि सफारी का जो स्केल मॉडल बनाता है। इसका प्राइस कुछ 180 के आसपास आता है निकल के। इसका जो फ्रंट लुक है वो मेरे को एकदम से बिकड़ लगा, वो एकदम अच्छा नहीं है। लेकिन पीछे का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो सफारी का स्केल मॉडल कुछ ऐसा दिखता है। स्पीडेज का और एक बहुत सुंदर स्केल मॉडल है ये वाला जो मुंबई लोकल ट्रेन है। ट्रेन का जो स्केल मॉडल्स आता है वो कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इंडियन ट्रेन। सेंटी एक बनाता है इंडियन ट्रेन, तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो अगर आप ट्रेन लवर हो। ये जो मॉडल है वो काफ़ी 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 सुंदर देखने में है। इसका जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी सुंदर है, आप फ्रंट लुक को चेक कर सकते हो, ऊपर पैंटोग्राफ भी आता है। ये दो वेरिएंट में अवेलेबल होता है, एक है बस एक डिब्बा वाला और मेरे पास जो वेरिएंट है ये दो डिब्बा वाला आता है। तो ऊपर वाला जो लुक है वो कुछ ऐसा लगता है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को ये। तो मेरे पास इतना कुछ स्पीडेज का गाड़ी है, तो मैं ये सब गाड़ी अमेज़न से लेता हूँ। अमेज़न का जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सेलर का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।